रामलीला मैदान में रामनवमी के शुभ अवसर के दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त प्रयास से भगवान श्री राम की भव्य 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इससे पहले 20 गांव की मिट्टी भी इकट्ठा की गई और गांव के लोगों द्वारा लाए गए अक्षत से प्रसाद बनाया गया। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा गगरेट के बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा द्वारा की गई। मौके पर बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी। इस क्षेत्र का अपना मैंने पहले भी जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करा है विधानसभा में, तो मेरे को आज यहाँ आने का मौका मिला और जो है मेरे को इस जो है इसमें ऑस्पिशियस डे पे इतने पावन अवसर पे जो है मेरे को यहाँ आने का सारे बड़े बुजुर्गों ने जो है एक मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत जो है लकी अपने आप को फील करता हूँ। और ये यहाँ की जो हमारी रामलीला की कमेटी है, जो सारे सज्जन पुरुष महिलाएं जो इस कार्य के साथ सनातन धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस आस्था के साथ जुड़े हैं, ये सब उन्हीं के आस्था का और उन्हीं की मेहनत का प्रतीक। सर, ये जब उपचुनाव हो रहे हैं, बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत हो रहे हैं, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि अब ये प्रभु श्री राम के आश्रय ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, हालांकि आज का मौका नहीं है राजनीति के बारे में बात करने का, बस ये तो आप सभी जैसे जानते हैं कि आज रामनवमी है। सो हमारा जो धर्म है, हमारे अपने सनातन की प्रति जो आस्था है, चुनाव और नो चुनाव, इलेक्शन और नो इलेक्शन, उसका हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सो कल अष्टमी का दिन था, आज रामनवमी का दिन है, तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो रामनवमी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने बात करी इलेक्शंस की, अगर हम उस मुद्दे के बारे में बात करें, तो जो दूसरी हमारी कांग्रेस पार्टी की अभी सत्ताधारी सरकार है, जो हमारी जन विरोधी और देश भावना के साथ चलती हुई सरकार है, जवाब